डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा का कॉलेज कमालपुर शुभम गुरुद्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बी एल एन की सिक्स सेमेस्टर में टेबल फॉर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत स्टेट चैप्टर के अंतर्गत टॉपिक स्टेट सर्वजनिकी अर्थात राज्य संप्रभुता के बारे में बात करूंगा। तो आज सभी का जो टॉपिक है उसमें स्टेट सर्वजनिकी नंबर एक, नंबर दो यूनियन ऑफ स्टेट्स राज्यों का संघ, इसके अंतर्गत क्या होता है कि नंबर थर्ड पर नॉट पुलिस सर्वजन स्टेट्स अर्थात पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य क्या होते हैं, इसके अंतर्गत संरक्षित राज्य क्या है, वशवर्ती राज्य क्या है, संघीय राज्य, संयुक्त राज्य, न्यास क्षेत्र राज्य और उसके बाद फिर नंबर आएगा असामान्य राज्य क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, राज्यों की प्रभुत्व संपन्न समानता क्या होती है। प्रभुत्व संपन्न राज्य पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय विधि के विषय है। प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र या प्रभुत्व संपन्न राज्य पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय विधि के विषय है। ओपेन हाई इन्हें वास्तविक अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति कहते हैं क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय विधि में मुख्य विधि करता है। ये अंतरराष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त सभी अंतरराष्ट्रीय अधिकारों तथा कर्तव्यों को धारण करते हैं। राज्यों की समानता का अर्थ है कि सभी राज्य इस बात के हकदार हैं कि उनके राज्य की प्रभुत्व संपन्नता को अन्य राज्य आदर करें। सभी प्रभुत्व संपन्न राज्य परिस्थिति में अपने आकार, जनसंख्या, समाधान तथा अन्य मामलों में विभिन्नता के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में समान है। राज्यों की समानता के सिद्धांत को संयुक्त चार्टर अनुच्छेद, संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद दो के अनुच्छेद एक के अधीन मान्यता दी गई है। जो अधिकृत इस बात को करता है कि यह संगठन अपने सभी सदस्यों की प्रभुत्व संपन्न समता के सिद्धांत पर आधारित है, उन्हें राज्यों के अधिकार तथा कर्तव्य का प्ररूप घोषणा के अनुच्छेद 5 में भी प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य को अन्य सभी राज्यों के साथ विधि ने समानता का अधिकार है। इसके अनुसार सभी राज्यों को समान अधिकार तथा कर्तव्य हैं तथा ये अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य विविधताओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संघ के समान सदस्य हैं। प्रभुत्व संपन्न समानता विशेष रूप से निम्नलिखित तत्वों को शामिल करना है। राज्य नागरिक रूप में समान है। प्रत्येक राज्य पूर्ण प्रभुत्व संपन्नता में अंतर्निहित अधिकार का उपयोग करता है। गैर नंबर प्रत्येक राज्य का अन्य राज्यों के व्यक्तियों का सम्मान करने का कर्तव्य है। वह राज्यों की राज्य क्षेत्रीय अखंडता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता उल्लंघनीय नहीं है। अन्य नंबर प्रत्येक राज्य को अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा आंतरिक प्रणाली को स्वतंत्रतापूर्वक चुनने तथा विकसित करने का अधिकार है। तथा चयन नंबर प्रत्येक राज्य को पूर्ण रूप से तथा सद्भावपूर्वक अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं का अनुसरण करने तथा अन्य राज्यों के साथ शांतिपूर्वक रहने का कर्तव्य है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य को किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार है जिसे संबंधित द्वारा निपटाया जाना हो। सभी प्रभुत्व संपन्न राज्यों के मत का समान महत्व है। उन्हें कोई राज्य अन्य राज्यों पर
सामान्यता। प्रबुद्ध संप्रदाय एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति होते हैं, अर्थात उनके पास एक केंद्रीय राजनीतिक प्राधिकार होता है। ऐसे राज्य को साधारण अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त दो या अधिक राज्य अन्य संघों द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा संघ बना सकते हैं, जिसमें वे अपनी प्रबुद्ध संपन्नता को संघ के पक्ष में समर्पित कर देते हैं। ऐसे मामलों में संघ प्रबुद्ध संपन्न राजनीतिक प्राधिकारी हो जाता है तथा संघ गठित करने वाले राज्य संघ के भाग हो जाते हैं। वे पृथक रूप से अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को खो देते हैं तथा वह संघ में लीन हो जाता है। इस प्रकार संघ गठित करने वाले राज्य एक दूसरे के विरुद्ध तथा पृथक रूप से विदेशी शक्ति के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते तथा न तो उनमें से एक के विरुद्ध पृथक रूप से युद्ध किया जा सकता। सीरिया तथा मिस्र दो प्रबुद्ध संपन्न राज्य ने 1 फरवरी 1958 को संयुक्त अरब गणतंत्र यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के नाम के अधीन एक नए राज्य में अपने को विलीन कर दिया। यह राज्य यहाँ संयुक्त अरब गणतंत्र यूएआर लोकतांत्रिक स्वतंत्र तथा प्रबुद्ध संपन्न गणतंत्र बना। इसके अंतरिम संविधान ने कहीं भी सीरिया तथा मिस्र को राज्य के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। इन दो प्रबुद्ध संपन्नता के किसी भी भाग को प्रदान नहीं किया गया था। संयुक्त अरब गणतंत्र का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख था। मिस्र तथा सीरिया का अपना व्यक्तित्व समाप्त हो गया था तथा उनके स्थान पर संयुक्त अरब गणतंत्र अस्तित्व में आ गया था। ऐसे संघ जिनमें नई अंतर्राष्ट्रीय इकाई अस्तित्व में आई है व्यक्तिगत रूप की अपेक्षा वास्तविक संघ कहे जाते हैं। वास्तविक संघ व्यक्तिगत संघ से भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें संघ गठित करने वाले राज्य अपने व्यक्तिगत सुभिन्न व्यक्तित्व को परिधारण किए रहते हैं। उसके बाद फिर आता है नंबर 2 अपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। इसे हम बोलते हैं ये तो नंबर 1 के अंतर्गत ही आया नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 आता है ये नॉन फुली सोवरेन स्टेट, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ अपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। ये कौन से होते हैं अपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य? अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य प्रबुद्ध संपन्न हो। यदि प्रबुद्ध संपन्न राज्यों के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य द्वारा राजत्व का गुण चाहे वह छोटे ही अंश में धारण किया जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति माना जा सकता है। निसंदेह ऐसे राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के पूर्ण सही तथा सामान्य विषय नहीं हो सकते, किंतु निश्चय पूर्वक यह कहना उचित नहीं है कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बिल्कुल भी या बिल्कुल ही नहीं होती। यदि यह मान लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रभुत्व संपन्नता की अपेक्षा अधिकारों कर्तव्यों और शक्तियों को धारण करने में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का निर्धारण होता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे राज्य भी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को धारण करेंगे जो सभी अधिकारों कर्तव्यों तथा शक्तियों को धारण करते हैं। ऐसे राज्य अपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न राज्य कहे जाते हैं। ये एक या अधिक अन्य राज्यों के प्राधिकार के अध्यधीन बने रहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब जो निम्न प्रकार के होंगे उनमें से सबसे पहला होगा हमारा संरक्षित राज्य है, नंबर होगा वंशवर्ती राज्य, गैर होगा संघ
फिर संयुक्त राज्य, उसके बाद न्यास राज्य, फिर ये हमारे नॉर्थ वैली सोवर्जन स्टेट अर्थात अपूर्ण प्रबुद्ध संपद राज्य के अंतर्गत आते हैं। आज में जैसे सबसे पहले संरक्षित राज्य कौन से होते हैं इस पर विचार व्यक्त करूंगा। संरक्षित राज्य प्रोटोक्रेटिक स्टेट, जब कोई राज्य कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रशासन को अन्य राज्य की संरक्षकता में संधि द्वारा स्वयं प्रदान कर देता है, तब दोनों राज्यों के मध्य एक प्रकार का संबंध स्थापित होता है जिसे संरक्षित के रूप में जाना जाता है। संरक्षक संधि को दो राज्यों के मध्य होने की आवश्यकता नहीं होती। संरक्षित राज्य को अंतर्राष्ट्रीय संधि के अधीन ही सज्जित किया जा सकता है। संरक्षण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जो संरक्षित राज्य के राज्य पक्ष में संरक्षण प्रदान करने वाले राज्य के पक्ष में समर्पित किए जाते हैं। यह संधि के शर्तों पर आधारित होता है। आयोनियन जहाज के मामले में न्यायालय ने संरीक्षण किया कि संधि एकमात्र संदर्भिका है और इसी ने संविदाकारी पक्षकारों के सभी अधिकार और आयोनियन राज्यों के सभी अधिकार एवं बाध्यताएं उत्पन्न होने चाहिए। आयोनियन ग्रेट ब्रिटेन के अन्य संरक्षण के अधीन स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित किया गया था। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का निश्चय संघियों द्वारा किया जाता है कि क्या संरक्षित राज्य अन्य राज्यों में अपने राजनयिक भेज सकते हैं या उनके राजनयिक का स्वागत कर सकते हैं, या क्या संरक्षित राज्य संधियों का निर्माण कर सकते हैं। नेशनलिटी डिक्रीज इश्यूड इन ट्यूनिस एंड मोरक्को मामले में स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संरक्षित राज्य तथा संरक्षक राज्य के मध्य संबंध तथा शेष विश्व के साथ इन दोनों राज्य के संबंध संधि की शर्तों पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण इस रूप में दिया जा सकता है, इसमें हमने भूटान को लिया और सिक्किम को लिया। अब भूटान का क्या उदाहरण आता है, भूटान 8 अगस्त 1949 को की गई मैत्री संधि के द्वारा भारत का संरक्षित राज्य बना। संधि के अनुच्छेद 3 के अधीन भारत सरकार ने भूटान के आंतरिक प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया, लेकिन भूटान सरकार अपने विदेशी मामलों में भारत सरकार की सलाह से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए सहमत हुई। संधि के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत भी सहमत हुआ कि भूटान भारत सरकार की सहायता तथा अनुमोदन से भारत से या भारत के मध्य से या भारत के माध्यम से भूटान में आयुध गोला बारूद मशीनरी सामरिक सामानों का आयात करने के लिए स्वतंत्र होगा। जो भी भूटान की शक्ति तथा कल्याण के लिए अपेक्षित या वांछित हो, भूटान भी सहमत हुआ था कि भूटान की सीमा के पार ऐसे आयुध हो गोला बारूद इत्यादि का निर्यात या तो भूटान की सरकार द्वारा या गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाएगा। भारत भूटान को 5,00,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान करेगा। संधि का अनुच्छेद 10 वर्णन करता है कि यह संधि सदैव परिवर्तन में रहेगी। यदि इसे पारस्परिक सहमति द्वारा समाप्त नहीं किया जाता या
समर्थन से संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश दिया गया, लेकिन भूटान भारत का संरक्षित राज्य बना रहा। भूटान देश जिन्हें दोजी ने अप्रैल 1971 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि वे 1949 की संधि का पालन करेंगे तथा उन्होंने इसके किसी पुनर्निरीक्षण से इनकार किया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र ने भूटान के प्रवेश में या भूटान के प्रवेश ने भूटान की परिस्थिति में परिवर्तन किया। उसके बाद फिर आता है सिक्किम। सिक्किम भी कार्यक्रम संरक्षित राज्य के अंतर्गत आता है। वो किस रूप में? सिक्किम 5 दिसंबर 1950 में ही की गई संधि द्वारा भारत का संरक्षित राज्य बना, जिसके द्वारा भारत ने सिक्किम के विदेशी मामलों, संचार, सुरक्षा तथा राज्य क्षेत्रीय अखंडता का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। लेकिन सिक्किम पर भारत का संरक्षण 1974 में समाप्त हो गया, जब सिक्किम भारत का सह राज्य बन गया। उसके बाद क्या आता है? वनस्पति राज्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब ये जो टॉपिक है वनस्पति राज्य, संघीय राज्य, संयुक्त राज्य, न्यास राज्य, खेल, इन पर मैं